हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आबिद। आपका स्वागत है एफ फॉर फैक्ट सीरीज की एक और न्यू वीडियो में। नंबर 3, दोस्तों आपने कभी ना कभी तो ये सोचा होगा कि एटीएम में कितने रुपए होते हैं। दरअसल एटीएम के अंदर कितना पैसा रहेगा ये उसके शहर पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो दिल्ली में कोई एटीएम है और वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहाँ पर एटीएम में बहुत हाईएस्ट पैसा रहेगा, और वहीं अगर बात किसी छोटे गाँव की करें तो वहाँ पर पैसा कम रहेगा। एक एटीएम में मैक्सिमम 88 लाख रुपए हो सकते हैं और मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए हो सकते हैं। नंबर 2, दोस्तों अगर आप न्यूज देखते हो तो आपने कभी ना कभी संसद भवन के अंदर पंखों को उल्टा लटका हुआ तो जरूर देखा होगा। दरअसल संसद में लगे पंखों को सीलिंग से नहीं बल्कि कुछ पिलर्स खड़े करके उनके ऊपर उल्टा करके लगाए जाते हैं। असल में जब संसद भवन बनाया गया था तो उसके गुंबद को बहुत ऊंचा डिजाइन किया गया था। इसके साथ साथ सेंट्रल हॉल का गुंबद पूरे संसद भवन का मेन पॉइंट भी है। इसलिए जब इसके कंस्ट्रक्शन के बाद जब इसमें पंखे लगाने की बात आई तो छत बहुत ज्यादा ऊंची होने के कारण सीलिंग फैन लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। साथ ही साथ अगर इतनी ऊंचाई पर पंखे लगा भी दिए जाएं तो भी वे इतने नीचे तक हवा नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से इतने बड़े हॉल में हवा का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। जिससे निजात पाने के लिए उस समय के इंजीनियर्स ने हॉल में पंखों की सीलिंग की बजाय कुछ इस तरीके के पिलर्स को लगाकर उनके ऊपर पंखों को उल्टा लगाया था। नंबर 1, आपने कभी ना कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि आखिर रिमोट पर ऑन ऑफ करने के लिए ये ही सिंबल क्यों होता है। दोस्तों अगर आप इस सिंबल को ध्यान से देखोगे तब आपको इसमें 2 नंबर दिखाई देंगे, एक तो 0 और दूसरा 1। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वे सभी बाइनरी लैंग्वेज पर काम करते हैं और उन सभी में बाइनरी लैंग्वेज को यूज किया जाता है। बाइनरी लैंग्वेज में 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। असल में दोस्तों पहले इस सिंबल की जगह पर प्रॉपर ऑन ऑफ के सिंबल को दिखाया जाता था। उस समय ये वर्ड पूरे लिखने में स्पेस की प्रॉब्लम होती थी क्योंकि छोटे डिवाइस पर ऑन और ऑफ को लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। यही वह कारण है जिसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल किया गया और तब से अब तक यही चला आ रहा है। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।